पाकिस्तानी सेना लगातार जम्मू कश्मीर में सीज फायर का उल्लंघन कर रही है। आज तड़के भी नौशेरा में पाकिस्तानी सैनिकों ने गोलियां दागी। जवाबी कार्रवाई में भारतीय सैनिकों ने भी अंधाधुंध गोलियां बरसाई। सूत्रों के मुताबिक भारत के जवाबी हमले में पाकिस्तानी सेना के 3 जवानों की मौत भी हुई है। पाकिस्तानी सैनिकों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नियंत्रण रेखा पर RS पुरा और नौशेरा सेक्टर में भारतीय असैन्य इलाकों में फायरिंग की, जिसमें एक ही परिवार के 6 सदस्य घायल हो गए। गांव को निशाना बनाते हुए पाकिस्तान की ओर से छोटे हथियारों से गोलीबारी की गई और मोर्टार से गोले भी दागे गए। हाल के दिनों में पाकिस्तान की ओर से लगातार सीज फायर का उल्लंघन भी किया जा रहा है। हालात सीमा पर इस कदर बदतर हो गए हैं कि पाकिस्तानी रेंजर अब दिन में भी भारतीय इलाके को निशाना बनाने से बाज नहीं आ रहे हैं और रिहायशी इलाकों पर भी मोर्टार से गोले दागे जा रहे हैं। पाकिस्तान इन हरकतों से बाज नहीं आएगा जब तक जवाबी कार्रवाई हमारी अनेकों सेक्टर में बहुत जबरदस्त, बहुत पनिशिंग और बहुत कारगर होनी चाहिए। कल हमने जो भी कार्रवाई की पोस्ट को बर्बाद किया है। वास्तव में पाकिस्तान बाज तभी आएगा बजाय 5 के हम 50 बर्बाद करें। अभी इस पाकिस्तान को सबक सिखाने का समय आ गया है। देखिए, पाकिस्तान के जो सीज फायर वायोलेशन बढ़ी है, इसकी कई वजहें हैं। पहली वजह तो यही है कि पाकिस्तान के अंदर इस समय सियासत की लड़ाई चल रही है। आपको मालूम है कि रहील शरीफ का समय जो है नवंबर में ख़त्म हो रहा है और नवाज शरीफ भी अपने समय खत्म होने के नज़दीक हैं। तो अभी इस समय जो है पाकिस्तान की आर्मी, एक बात तो साफ है कि ये इस समय मार्शल लॉ या पावर नहीं लेना चाहती है, क्योंकि पाकिस्तान का इस समय जो रुतबा बना हुआ है एज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, वो उसको मेंटेन रखना चाह रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी नहीं चाह रहे कि पूरा कंट्रोल जो है सिविलियन